तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप सब देख रहे हैं एटी रिएक्शन। एटी रिएक्शन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की नई वीडियो सुनने में आया कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो सर, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्युपाई कर रहे हैं? आप कह रहे हैं डीएनए मारा है वो देश, बिल्कुल उनका कामयाब है इस बार। उन्होंने यूनाइट किया नेशंस। लक्ष्मण उनका नाम है और स्टारबक्स को उन्होंने, पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। तो आज ये पाकिस्तान में काफी लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि यार देखो कि सीईओ पे सीईओ बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के और हम कहां पे सेंटर। बाहर के इंस्टीट्यूशन के उनका उनका स्टैंडर्ड एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहां पे वाशिंगटन डीसी में कई बच्चे आके देखे जो एमबीए की डिग्री लेकर आए हैं, दो लफ्ज इंग्लिश में लिख सकते। जो वहां लड़के जा रहे हैं हिंदुस्तान से पढ़ के, उन यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं जो हार्वर्ड से ज्यादा मुश्किल दाखिले लेना आईआईटी के अंदर। ओ, तो उनको क्यों देख रहे हो भाई? आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपना देखे हैं, योर प्रिंसिपल्स आपके पास नहीं है प्रिंसिपल्स। आपको स्टारबक्स के सैलरी आते वाले पाकिस्तानी को तो आपको सीओ टैग लगाओ। मजा आया। कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए या इंडिया का होना चाहिए? इंशाल्लाह क्यों नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर पाकिस्तान ने 75 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया? बहुत कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या किया? डेवलपमेंट जाने निशावर की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत उछाला है। उछाला है, उछालने से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट। देखें, अब अगर मेरी जान चली जाती है किसी वजह से तो किसी के लिए जाती है तो किसी को क्या फायदा होगा? फायदा नहीं। डेवलपमेंट अगर मैं किसी को खाने को दूंगा, अगर मैं किसी को सहूलियात दूंगा, बिजली दूंगा, नेट दूंगा, उन्हें जॉब दूंगा, तो ही मेरा फायदा होगा ना। तो वो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है जी। मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं, उनकी खातर लड़ते हैं। अच्छा। और तो ये बेहतर बात है मुजाहिदीन वहाँ जाकर लड़ते हैं। मेरे भाई, वहाँ जाके तो उनको तंग किया जाता है, तो वहाँ लड़ना जिहाद बनता है, मुसलमान का हक बनता है मुसलमान का।